अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आप जानते होंगे कि श्रीलंका जो है पर्यटन के लिए यानी टूरिज्म के लिए फेमस है और इसके जीडीपी का 24% जो पार्ट है वो इससे फुलफिल होता है। साथ ही श्रीलंका खूबसूरत बीच के लिए जाना जाता है और इस देश में अलग अलग देशों के लोग, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना का मार, साथ ही रूस और यूक्रेन का जो वॉर है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आना बिल्कुल ही बंद कर दिए, और इसका कारण ये हुआ कि आज श्रीलंका के जो ए वाला सेक्टर है यानी टूरिज़्म का जो सेक्टर है वो पूरी तरह से प्रभावित है। दूसरी तरफ श्रीलंका में एक और बड़ी चेंज लाने का प्रयास किया गया और वहाँ पे बताया गया कि ऑर्गेनिक खेती किया जाए। ऑर्गेनिक खेती करने के वजह से और उसके बारे में सही जानकारी न होने की वजह से वहाँ पे 40% तक जो खाद्यान्न का उत्पादन कम गया, जिसके वजह से खाने पीने के भी लाले पड़ गए। साथ ही वहाँ की जो सरकार है, वहाँ पे सरकार जो है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है, वो केवल अपना पीठ थपथपाती है और काम बहुत कम करती है, उसकी योजनाएं सही नहीं है, जिसके वजह से भी श्रीलंका को एक क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। और लास्ट जो कारण हम लोग समझ सकते हैं वो ये है कि जो श्रीलंका है वो जाति या फिर कह लो जाति में ज़्यादा विश्वास करे या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली को ही पूरी सत्ता सौंप करके बैठी हुई है, तो वहाँ पे कट्टर जातीय समीकरण देखने को मिलते हैं और वहाँ पे जो वोट होते हैं उसमें ये जो मुद्दा होता है जाति वाला वो हावी होता है। और इसका भी परिणाम ये है कि एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाई है। इन सब के बीच में आज के जो एडिटोरियल है उसके बारे में क्या चर्चाएं हैं, कौन कौन से नए वर्ड्स इसमें देखने को आपको मिलेंगे, ये सारे एडिटोरियल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि इससे नए वर्ड्स सीखे जाएं, इसको कैसे हम लोग नए नए सेंटेंसेस को पढ़ सकें। तो शुरुआत किया जाए इसके हेडिंग से, और हेडिंग में आप देख सकते हैं लिखा हुआ एट अ क्रॉस रोड्स। एट अ क्रॉस रोड्स एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है दुविधा में, नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। और आई रिमेंबर आई टॉट यू पीपल दिस फ्रेज। एट अ क्रॉस रोड्स मीन्स इन अ कंडीशन वेयर यू आर नॉट एबल टू डिसाइड वेयर टू गो। अब श्रीलंका के लिए भी यही है, अब ये दुविधा में है, इन अ डायलेमा में है कि करें तो क्या करें, कहाँ जाएँ। ऑन श्रीलंकाज इकोनॉमिक रिकवरी, अब इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं श्रीलंका की इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में, कैसे ये रिकवर करेगा प्रॉब्लम से उसके बारे में। आगे कुछ लाइंस हैं उसको देखते हैं। द रोड टू श्रीलंकाज इकोनॉमिक रिकवरी विल हैव टू पास थ्रू पॉलिटिकल चेंज। कहा जा रहा है कि जो रास्ता है ना श्रीलंका की इकोनॉमिक रिकवरी का, उसे पास करना होगा, उसे गुजरना होगा किससे, पॉलिटिकल चेंज, राजनीतिक बदलाव से। यानी लेखक कहना चाह रहे हैं कि अगर श्रीलंका को इकोनॉमिक रिकवरी चाहिए तो उसके लिए वहाँ पे जो पॉलिटिकल राजनीतिक बदलाव ज़रूरी हैं, उस पार्टी के लोग जिसकी सरकार है उसे हटाना ज़रूरी है। द वाइड स्प्रेड पब्लिक अनरेस्ट, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर चारों तरफ जो पब्लिक अनरेस्ट, पब्लिक के मन में उथल पुथल मचा हुआ है, आप देख रहे होंगे श्रीलंका में प्रोटेस्ट चल रहा है, हैज़ टेकन ऑन द डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, जो कि एक रूप ले चुका है। टेकन ऑन डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांतिक। यानी जो आप देख रहे हैं पब्लिक का अनरेस्ट श्रीलंका में, उसने एक रूप ले लिया है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन यानी राजनीतिक क्रांति का, ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट, और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्ट का मतलब यहाँ पे आयात करना नहीं है, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी श्रीलंका की जो पब्लिक है जो कि अनरेस्ट में है, अभी बेचैन पब्लिक है,
उसने एक रूप ले लिया है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का, राजनीतिक क्रांति का। इट इज़ एपरेंट दैट, एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, यह स्पष्ट है कि इट इज़ ड्रिवन बाय, ड्रिवन बाय का मतलब क्या होता है, किसके वजह से हुआ है, तो कॉज्ड बाय पॉपुलर एंगर, यानी जो एक लोगों का गुस्सा है, एंड कलेक्टिव विल दैट स्ट्रेडल्स ऑल एथनिक्स, एक कलेक्टिव विल मतलब सामूहिक एक तरह का सोच है, मनसा है, दैट स्ट्रेडल्स, स्ट्रेडल्स का मतलब फैलाना होता है, ऑल एथनिक्स, एथनिसिटीज़ का मतलब होता है जो जातीय ग्रुप है उसको, फॉर अ कंट्री, नहीं यहाँ पे समझ लेते हैं कि ए जो हो रहा है वो स्पष्ट है कि वहाँ पे जितने भी जातीय ग्रुप हैं सब में इस बार क्या है, इसको लेकर के एंगर है। तो इसमें जो वर्ड आप याद कर सकते हैं, स्ट्रेडल्स का मतलब होता है जो फैला हुआ होता है, ठीक है। एथनिक से ही बना एथनिसिटीज़, यानी जो जातीय समूह है उसके बारे में बात हो रही है। फॉर अ कंट्री वंस सीम एज हैविंग इरेकन्सिलेबल एथनिक डिविजन्स, उस देश के लिए जो कि पहले एक उनके पास कट्टर, लिखते ना इसका वर्ड का मीनिंग, इरेकन्सिलेबल का मतलब था कट्टर एथनिक डिवीजन था, यानी कट्टर एक जातीय डिविजन्स था, यानी ये देश अलग अलग जातियों में कट्टर तरीके से बटा हुआ था। दे इज होप दैट द पीपल विल रिकोगनाइज द रियल प्रोवेनेंस ऑफ देयर ट्रेवल्स, और कह रहा है कि ये आशा की जा रही है कि अब वहाँ के लोग समझेंगे, रिकोगनाइज करेंगे रियल प्रोवेनेंस ऑफ देयर ट्रेवल्स, यानी वहाँ के जो लोग हैं वो समझेंगे कि जो उत्पत्ति हुई है जो प्रॉब्लम्स की, ट्रेवल्स का मतलब क्या, गम होता है, दुख होता है, यानी जिस इस दुख की उत्पत्ति क्यों हुई है, इस बात को, प्रोवेनेंस का मतलब क्या हुआ, उत्पत्ति नोट कर लो, और ट्रेवल्स का मतलब गम होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर कह लो जो अभी समस्या है, दुख है। तो अब वहाँ के लोग ये समझेंगे कि दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो इसका मतलब उत्पन्न होना, इसका मतलब गम, क्लियर। एंड एपथेटिक, एपथेटिक का मतलब क्या होता है, एपथेटिक का मतलब होता है वैसी वैसा व्यक्ति जिसको कोई मतलब, एक होता है क्या उसको बोल सकते हैं, उदासीन। पॉलिटिकल लीडरशिप दैट वेयर्स ग्रेट पावर विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी, वहाँ की जो सरकार है वो क्या है, एपथेटिक है, उदासीन है, लेकिन वो क्या करता है, वेयर्स का मतलब होता है दिखावा करना, है उदासीन लेकिन दिखावा करता है, ग्रेट पावर है, विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। अकाउंटेबिलिटी, आप किसी को जो किसी काम के लिए दोषी ठहराते हो, जिसको आप उत्तरदायी कह सकते हो, यानी सरकार वहाँ पे है वो किसी को अपना उत्तरदायित्व तय नहीं करती है। एज दे कम टूगेदर ऑन द स्ट्रीट्स टू डिमांड चेंज एंड रिलीफ, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं इस बार है ना, वे रोड पर आए, स्ट्रीट्स पे आ गए, गलियों में आ गए, और डिमांड कर रहे हैं कि चेंज करो, एंड रिलीफ के लिए बात कर रहे हैं। इस बार अलग अलग जाति धर्म के लोग जो कि कट्टर हुआ करते थे, आज मिल गए हैं और सारे लोग डिमांड कर रहे हैं पॉलिटिकल चेंज की। द पीपल सीम टू बी डिमांडिंग अ होलसेल रिजीम चेंज, अब यहाँ पे देखिए लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड एक कर रहे हैं कि पूरी तरह से पूरी व्यवस्था ही बदल जाए, यानी पूरी की पूरी सरकार बदल जाए, एंड नॉट ट्विक्स। ट्विक्स का मतलब होता है कह सकते हो कि थोड़ा, अल्प, ऐसे ट्विक का मतलब चेंज भी होता है, यानी यहाँ पे समझ, ट्विक का मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं आपको सरकार चेंज करना है, पूरी तरह से व्यवस्था को करना है चेंज, तो पूरा का पूरा जो रेजिम है उसको बदलना है, ना कि ट्विक्स। ट्विक्स का मतलब चेंज ही होता है बट नॉट टोटली। एज द प्रोटेस्ट एक्सकलेट, जैसे जैसे ए जो प्रोटेस्ट है एक्सकलेट करेगा, एक्सकलेट का मतलब होता है बढ़ेगा, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा एंड गवर्नमेंट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर
प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा, देखो एक ही परिवार दोनों है, एक राष्ट्रपति है यहाँ पे, एक प्रधानमंत्री, सेम टू हैव लॉस्ट पब्लिक सपोर्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पब्लिक सपोर्ट को खो देंगे, एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर पॉलिटिकल एलाइज, जो उनके राजनीतिक एलाइज हैं, एलाइज का मतलब गठबंधन में है, उसके सपोर्ट को भी, यानी कॉन्फिडेंस को यानी विश्वास को एक खो देंगे। द अपोजिशन हैज़ रिजेक्टेड द प्रेसिडेंट्स कॉल फॉर अ मल्टी पार्टी कैबिनेट। लेकिन अब देखिए, प्रेसिडेंट के तरफ से ये डिमांड की गई थी कि मल्टी पार्टी कैबिनेट बनाया जाए, उसको भी अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया है। की एलाइज सच एज श्रीलंका फ्रीडम पार्टी हैव वॉक्ड आउट ऑफ द रूलिंग कोलिशन, और वहाँ के महत्वपूर्ण, की का मतलब होता है महत्वपूर्ण, एक एलाइज है, गठबंधन है, जिसका नाम है श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, वो भी क्या किया, वॉकआउट का मतलब निकल गया जो रूलिंग कोलिशन से, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, तो जो अब जो सरकार वहाँ पर राज कर रही थी, राजपक्ष की सरकार, उस गठबंधन से श्रीलंका फ्रीडम पार्टी भी निकल गई। एंड द न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर डिड नॉट डीम इट प्रूडेंट टू टेक चेंज, और एक नया वहाँ पे भी आपने सुना होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था, लेकिन वो भी क्या किए, वो अपने आप को इतना बुद्धिमान, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, नहीं समझते हैं कि वो चार्ज ले लें, यानी वो उन्होंने भी एक कर लिया कि नहीं मुझसे होगा। इट इज एन अनयूजुअल स्टेलमेट ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, एक तरह का जो है अनयूजुअल स्टेलमेट है, स्टेलमेट का मतलब क्या होता है, गतिरोध ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, यानी पॉलिटिकल दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक फ्रंट से देखा जाए, तो एक तरह का एक अनयूजुअल है गतिरोध है। एज इट इज क्लियर दैट नथिंग शॉर्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द राजपक्षा ब्रदर्स विल एसवेज पब्लिक एंगर, क्योंकि ये क्लियर है कि राजपक्षा ब्रदर के रेजिग्नेशन के अलावे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि पब्लिक के एंगर को एसुएज कर सकता है। एसुएज का मतलब होता है शांत कर सकता है, यानी लोगों का जो डिमांड है कि राजपक्षे जो ब्रदर्स हैं, एक प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं, एक जो प्रधानमंत्री, तो इनकी पहले क्या हो, रेजिग्नेशन हो, ये हट जाए, और इससे कम कुछ भी मंजूर वहाँ के लोगों को नहीं है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ अनक्लियर इफ एनी वन विल बी विलिंग टू टेक चार्ज अमिस्ट अ सीमिंगली इनसरमाउंटेबल इकोनॉमिक क्राइसिस। एक तरफ तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राजपक्ष ब्रदर्स छोड़ छाड़ के भागें, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अभी तक ये अस्पष्ट है कि अगर वो हट भी जाते हैं तो कोई ऐसा है जो कि चार्ज देना चाहेगा। ऐसे इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता है जल्दी, तो डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में कोई है ऐसा जो कि चार्ज लेना चाहेगा। एज ओवर 40 लेजिस्लेटर्स हैव वॉक्ड आउट ऑफ द रूलिंग एलाइज, जैसा कि 40 ऐसे पार्लियामेंट्रियन है, या फिर कह लो कि वहाँ के जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो क्या किए, वो रूलिंग एलायंस से बाहर निकल गए। द प्रेजेंट रेजिम फेसेज अ लॉस ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, जो हाल अभी की जो सरकार है वो फेस कर रही है लॉस ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में मेजोरिटी जो है उसकी नहीं रही, यानी अल्प मत में आ गई है। द रियल क्वेश्चन इज वेदर द अपोजिशन विल बी विलिंग टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव डिस्पेंसेशन, अब जो सही मायने में सवाल ये है कि क्या अपोजिशन है वो इच्छुक है कि वो फॉर्म करेगा एक वैकल्पिक डिस्पेंसेशन, का मतलब होता है रेजिम, सरकार, व्यवस्था, डिस्पेंसेशन व्यवस्था, यानी गवर्नमेंट यहाँ पे बात हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन इज बियॉन्ड डाउट, ये सिचुएशन कितना अर्जेंट है इसमें कोई शक नहीं है। द कंट्री नीड्स एन इकोनॉमिक रिकवरी प्लान, देश को एक इकोनॉमिक रिकवरी प्लान चाहिए था, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रिकवरी प्लान चाहिए, टू अप्रोच इंटरनेशनल लीडर्स टू ब्रिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इसमें क्या चाहिए था कि एक स्टेबल प्लान होता जिस जो अप्रोच करता है इंटरनेशनल लीडर्स को, कि टू ब्रिंग अबाउट मतलब होता है काउज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो बड़े पैमाने के लिए यूज होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एंड
एंड अ कंसर्न्ड एंड अकाउंटेबल रेजिम नीड्स टू बी इन प्लेस फॉर दिस। इसके लिए एक चिंतित कंसर्न्ड एंड अकाउंटेबल का मतलब जो अपनी जिम्मेवारी को समझता है ऐसी रेजिम की ज़रूरत है। इकोनॉमिस्ट्स हैव सजेस्टेड दैट श्रीलंका मे नीड अ ब्रिज लोन। बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने ये सजेस्ट किया है कि श्रीलंका को ज़रूरत है ब्रिज लोन की। ब्रिज लोन का मतलब होता है वैसे लोन जो थोड़े समय के लिए लिया जाता है, संकट की स्थिति में लिया जाता है और उसको फिर लौटा दिया जाता है। वाइल जबकि एन एक्सटर्नल डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पुट इन प्लेस, और एक जो एक्सटर्नल डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है उसको एक पुट इन प्लेस का मतलब होता है उसको सही करना, व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। बट मच डिपेंड्स ऑन वेदर दे इज़ अ क्रेडिबल लीडरशिप। लेकिन इसमें ज़्यादा डिपेंड करेगा कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा लीडरशिप है जो उस पर विश्वास किया जा सके। सरकार कोई भी देश की हो वो लीडर्स या फिर तभी आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे जब वहाँ की जो सरकार है वो थोड़ा सा अकाउंटेबल है, गंभीर है किसी मुद्दे को लेकर के, तभी आपको लोन भी दूसरे जगह से मिल सकता है। श्रीलंका इज़ एट अ क्रॉस रोड। अब श्रीलंका जो है वो दुविधा में है, डायलेमा में है, करें तो क्या करें इसको खुद समझ में नहीं आ रहा। गोइंग वन वे मे लीड टू अ डेट ट्रैप। अगर आगे जाता है इसमें तो डेट ट्रैप में पड़ जाएगा, यानी कर्ज के जाल में पड़ जाएगा। सॉवरेन डिफॉल्ट एंड पॉसिबल बैंकरप्सी है, यानी आप पूरी तरह से आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, डिफ़ॉल्टी जहाँ पैसा नहीं दे पाएंगे, हो सकता है बैंकरप्सी की स्थिति में आ जाएंगे। बैंकरप्सी का मतलब तो दिवालियापन, बैंकरप्ट होता है दिवालिया। ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ द प्रेजेंट अनरेस्ट, जो अभी अनरेस्ट है, अभी जो एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, provides an extraordinary opportunity to change its political and administrative paradigm. अब एक पूरे देश के पास मौका है कि जो unrest के बीच में एक मौका है कि वहाँ के जो political और administrative paradigm है उसको पूरी तरह से बदल दें। paradigm का मतलब होता है एक तरह का व्यवस्था, pattern। तो जो अभी pattern वहाँ चल रहा है political pattern वगैरह उसको बदलने का एक मौका है। ब्लोटेड गवर्नमेंट, वैसा गवर्नमेंट जो पूरी तरह से बीमारी से त्रस्त है, समझ लो। एक्सेसिव सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा पैसा जो सिक्योरिटी के ऊपर दे रहा है। द प्रोफिलिगेट वेज ऑफ दिस इन पावर, और प्रोफिलिगेट का मतलब क्या होता है? प्रोफिलिगेट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है गलत चीज़ों पर, यानी ना ज़रूरत है तभी खर्च करता है। तो ये जो है लैक ऑफ अटेंशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और कम ध्यान दिया जा रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, सब मांग मंगवा करके ही खा रहे हो। एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू डोमेस, और जो डिसीजन मेकिंग हो रहा था सेंट्रलाइज तरीके से होता था, इन सब के बीच में यार इन सब की वजह से ये सारे मेस यानी प्रॉब्लम्स हुए हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखिए, पहली चीज़ तो सरकार है वो पूरी तरह से ब्लोटेड है, समझो कि जख्मी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा पैसा सिक्योरिटी पर खर्च कर रही थी और बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च कर रही थी पावर में रहने के बाद। अटेंशन कम था डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, घरेलू उत्पाद पे कम, ज़्यादा दूसरे देशों पे, और जितने भी डिसीजन होते थे वो सारे सेंट्रल तरीके से होते थे। इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। मच ऑफ दिस नीड्स टू चेंज, ज़्यादातर इसमें जो चीज़ें हैं उसको में बदलाव लाने की ज़रूरत है। नो मोर शुड मेजोरियन मोबालाइजेशन बी अलाउड टू कवर अप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेलियर। ज़्यादा अब बहुसंख्यक जो मोबालाइजेशन भीड़ भाड़ इसमें इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है ताकि पॉलिटिकल इकोनॉमिक फेलियर्स को कवर किया जा सके। एंड इंक्लूसिव आउटलुक हैज़ टू बी फोस्टर्ड। एंड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण, हैज़ टू बी फोस्टर्ड का मतलब होता है इनकरेज करना। अब यहाँ पे एक सामूहिक सम्मिलित रूप से एक दृष्टिकोण डेवलप करना होगा,
द पीपल विल हैव टू रियलाइज दैट वोटिंग ऑन इमोशनल इशूज रिलेटेड टू रेस एंड रिलीजन ओनली हेल्प्स द रूलिंग क्लास एंड सेंडम बेनिफिट्स देम। वहाँ के लोगों को समझना होगा कि इमोशन में बह करके जाति और धर्म के आधार पर आप वोट करते हो, जो कि हेल्प करता है पर्टिकुलर क्लास को, लेकिन वो देश के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। वनली सच अ मोमेंटस चेंज, इस तरह के एक मोमेंटस, एक ऐतिहासिक बड़ा चेंज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल विल लीड टू देयर इकोनॉमिक इमेंसिपेशन। और इस तरह से अगर चेंजिंग आएगी सोच में, तो ए पॉलिटिकली और सोशली अगर ऐसा चेंज होता है, तो दैट विल लीड इट दैट विल काउज इकोनॉमिक इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, यानी मुक्ति मिल जाएगी इससे अगर आपकी सोच चेंज होगी। तो यही कहानी है इसके बारे में। तो अभी जो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस और प्रॉब्लम में है श्रीलंका। ऐसे में भारत तो मदद कर रहा है, लेकिन बाकी देशों को भी आगे आना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।